हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डी कोड आई ए एस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड वीक की शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की। जो 77 जो 7 वीक का जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था 49 डेज का, उसकी सेकेंड वीक की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जब शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से इस चैप्टर से स्पेक्ट्रम की किताब के थर्ड चैप्टर से हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, और साथ ही साथ एक ऐसी स्टोरी बिल्डअप कर देंगे जो एक्चुअली में हमारे देश में हुआ था। चलिए पॉइंट पे आते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि एडवेंट मतलब ये यूरोपियंस हमारे देश में कब और किन सिचुएशंस पे भारत में घुस आए। शुरुआत में बात करते हैं, अगर एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड्स जो हैं इतिहास में, ये एक्चुअली में कंटिन्यूटी है। इसीलिए ये बड़ा ही मुश्किल है कि डिस्टिंग्विश करना क्लियरली कि कौन सा पीरियड कब खत्म हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री को कहा जाता है कि जब से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ है, जब से भारत में विदेशी लोग आए हैं पोस्ट 15th सेंचुरी, तब से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मुगल्स जो है उनका शासनकाल चल रहा था भारत में, और उस समय जो है इनफैक्ट मुगल से आने से पहले भी अगर हम लोग बात करते हैं पोर्टुगीज़ की, तो पोर्टुगीज़ जो यूरोपियन पावर है वो भारत में आई थी 1498 में, और 1498 में मुगल्स नहीं थे, ठीक है। मुगल्स आए हैं 1526 में, यानी कि लोधीज़ के समय से ही पोर्टुगीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो यानी कि इवन बिफोर द टाइम ऑफ द मुगल्स, ये कहा जाता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को तो हम लोग समझ गए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, और ये मुगल्स से पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि यूरोपियंस जो है वो 15th सेंचुरी के आसपास भारत में आ गए थे, और ये मुगल्स के पहले ही आ गए हैं। अगर हम पोर्टुगीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, अरब्स ने एस्टैब्लिश कर लिया था अपनी डोमिनियन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। यानी कि अगर हम मैप को देखने की कोशिश करें, मान लेते हैं यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप है, ये वाला जो एरिया है पर्शियन गल्फ और ईस्टर्न यूरोप और ये सेंट्रल एशिया, ये वाला जो एरिया है, और फिर यहाँ पे भारत है अपना, ठीक है। तो यहाँ से वो नॉर्मली यहाँ पहले जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे आ गए हैं अरब्स। अरब्स के आने की वजह से ये लोग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से डायरेक्टली भारत में नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे अफ्रीका है, तो इनको क्या करना पड़ रहा है, अफ्रीका से घूम कर इतना लंबा रास्ता लेकर के भारत तक पहुंचना पड़ रहा है। सो द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियन डिक्लाइंड। वाई? बिकॉज अरब्स एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। यहां से एक और बात क्लियर हो जाती है कि अरब्स के साथ यूरोपियंस का नहीं जमता था। एक मेजर रीजन जरूर यह है, और वो है रिलीजन, कल्चर, ये सब अलग था इन दोनों के बीच में, साफ बात है। कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है ये गिर जाता है, इसकी सरकार गिर जाती है, और यहाँ पे जो है ओटोमन टर्क्स कब्जा कर लेते हैं 1453 में। ये ओटोमन टर्क्स जो है या ओटोमन एम्पायर जो है, ये टर्की वाले एरिया में तब तक रहते हैं जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर हार नहीं जाता। द मोमेंट ओटोमन एम्पायर हार जाएगा, उसके बाद इस जगह को ओटोमन टर्क्स से छुटकारा मिल जाएगा। अब हो ये रहा है कि मर्चेंडाइज जो भी भारत से आता है यूरोप में, वो अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट से होकर गुजरता है। जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया कि आपको या तो इस तरह से जाना पड़ेगा, तो आपको अरब्स को कुछ देना पड़ेगा तभी आपको छोड़ेंगे। तो इंटरमीडिएट्स की वजह से बड़ी दिक्कत होने लगी, ठीक है। और अरब्स ने यहाँ पे एक स्टेट मोनोपोली बना लिया, विच इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रिमेंडस रेवेन्यू, की वजह से इस्लामिक जो रूलर्स थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 15th सेंचुरी यूरोप वॉज ग्रिप्ड विद द स्पिरिट ऑफ रेनेसा। रेनेसा 15th सेंचुरी यूरोप में हो रहा है, और उन्हीं रेनेसा की वजह से एक्सप्लोरेशन के लिए लोगों में एक चाह बढ़ रही है कि हमें एक्सप्लोर करना है। क्या एक्सप्लोर करना है कि अदर रूट्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी और कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये एक्सप्लोरेशन इज बेसिकली, वन वर्ड में बताया जाए तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, ठीक है। और इसी के चलते इन्होंने शिप बिल्डिंग का आर्ट भी सीखा, नेविगेशन का आर्ट भी सीखा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत सारे रीजन्स का यूरोप में प्रोग्रेसिंग था, क्योंकि हमारा रेनेसा की वजह से बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट आया था। रैपिड तरीके से उनका एक्सपेंशन हो रहा था लैंड का और कल्टीवेशन का। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे इंप्रूव्ड टेक्निक्स को उन्होंने इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर में, और जिसकी वजह से उनकी जो सप्लाई है या प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ा, जिसके चलते मीट प्रोडक्शन इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। और बात यह है कि उस समय तो इतनी फ्रिज व्रिज का सिस्टम नहीं है, तो इतना सारा मीट को हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो इसी प्रिजर्वेशन के चक्कर में उन्हें ज़रूरत पड़ी स्पाइसेस की, और स्पाइसेस कहाँ है, वो है भारत में। तो स्पाइसेस की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इसी के साथ साथ भारत से कुछ ऐसी मसलिन सिल्क जैसे कॉस्टली पत्थर प्रीशियस स्टोन ये सब भी आने लगे, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी ओरिएंटल कंट्रीज में, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तो अभी तक बात क्लियर है। तो इस यहाँ तक हमें जो चीज़ें समझनी है क्वेश्चन के तौर पर, वो ये है कि रेनेसा के बाद यूरोप में जो रेनेसा हुआ उसके बाद डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी जो हो रहा है वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है।
ठीक है। अब इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जो चीज़ आएगी वो लेटेस्ट स्टेज में आएगी, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, ये इसके बाद आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ एरियाज थे जो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर हुए, जैसे वेनिस, जेनोवा, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुए, ठीक है। तो नॉर्थ यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं दे वर रेडी टू एड, ठीक है, सहायता करने में लोग राजी हुए, किसको, पोर्टुगल को और स्पेन को। वेस्टर्न यूरोप में यही दो कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा शुरुआती तौर पर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करी। सबसे पहले स्पेन जो है वो यूएसए को ढूंढ लिया, और पोर्टुगल जो है उसने रूट जो है उन्होंने इंडिया को ढूंढ लिया, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें ढूंढने निकले थे, लेकिन इनको मिला इंडिया और यूएस, ठीक है। तो इनको मदद कौन कर रहा था, एंटायर नॉर्थन यूरोपियन जो कंट्री थे वो मदद कर रहे थे, और किस तरीके से मदद कर रहे थे, बाय गिविंग देम मैनुअल सपोर्ट मैन एंड ऑल्सो बाय मॉनेटरी वेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इतिहास में कुछ ऐसा हुआ, द आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ओशन रूट टू इंडिया हैड बिकम एन ऑब्सेशन फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल। अब इसको समझे कि वो एक ऑब्सेशन बन गया था उनके लिए, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी एक्सपेडिशंस की नेविगेशन के लिए, उनका निकनेम ही पड़ गया नेविगेटर। ये एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में, अगर बहुत टफ एमसीक्यू बनाया जाता है, कि पोर्टुगल के प्रिंस हेनरी का निकनेम क्या था, द आंसर वुड बी नेविगेटर। इसके अलावा ही वॉज कीन टू फाइंड वे टू सरकमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया एंड ऑल द रूट्स दैट कनेक्टेड टू इंडिया एंड यूरोप, यानी कि जो मुस्लिम एरिया था पर्शियन एरिया वाला, उसको किस तरीके से सरकमवेंट करके, बाईपास करके आप इंडिया तक पहुंच सकते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्सेशन था। उसके बाद हम लोग को इतिहास के इन पन्नों को देखना पड़ेगा कि 1497 में द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, 1494 में, इसके अनुसार जो रूलर्स हैं पोर्टुगल के और स्पेन के, उन्होंने डिवाइड कर लिया नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम एंड बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक। नॉन क्रिश्चियन एरियाज पूरे विश्व में कहाँ कहाँ हैं, और उन एरियाज को अटलांटिक लाइन के वहाँ से इमेजिनरी लाइन किया कि उन देशों पर ये लोग डिवाइड कर लेंगे अपने अपने कॉलोनीज को। इट वॉज इन 1487 जब पोर्टुगीज के नेविगेटर बार्थोलोमेओ डायस पूरे चक्कर काट लिए अप टू द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। अगर आपको पता नहीं है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो मान लीजिए ये अफ्रीका है, दिस इज केप ऑफ गुड होप, दिस इज केप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अफ्रीका एंड सेल अप टू द ईस्टर्न कोस्ट, ही वॉज वेल कन्विंस्ड दर एक बार इसको क्रॉस कर लेंगे तो हमें इंडिया का रूट मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बट इट वॉज ओनली 10 years लेटर द एक्सपेडिशन ऑफ द पोर्टुगीज ships which set out for India in 1497 and arrived in India slightly less than 11 months in the year of 1498, mahina tha mai mahina, aur kon aaya yahan pe, Portuguese log aaye aur Vasco da Gama aaya, aur Bharat ke kis portion pe aaya, Calicut pe aaya, theek hai, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि वास्को ने क्या क्या किया, तो यहाँ से हम लोग को समझने के लिए हम लोग ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वास्को को रूट दिखाने में, मतलब केप ऑफ गुड होप से इंडिया तक का रूट दिखाने में, यहाँ से इंडिया तक का रूट दिखाने में वास्को को किसी ने अगर मदद किया कालीकट पहुँचने में, वो इंसान का नाम था अब्दुल माजिद। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल माजिद कालीकट के राजा का नाम दोस्तों जामोरिन था, उन्होंने इनकी बड़ी मदद करी, वो एक हिंदू रूलर थे, ठीक है, और उनके अंदर ऐसी कोई नो एप्रिहेंशन एज द यूरोपियंस इंटेंशंस, उनको समझ में नहीं आया, उनको ऐसी अप्रिहेंशन भी नहीं लगी, ठीक है, और वो काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उनको रिसेप्शन दिए, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे एक चार्ट बनी हुई है दोस्तों, इसमें पूरा दिया गया है कि किस तरीके से जो है हमें पोर्टुगीज़ के अरीना को भारत में पढ़ना है। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैं उस चार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों, इस चार्ट को जरा फॉलो करिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 1498 के मई महीने में, हमें पता है अभी कि मई महीने में वास्को आया इंडिया एट कालीकट, जिसको एक ग्रैंड रिसेप्शन मिला बाय द लोकल हिंदू किंग जामोरिन। उसके बाद पोर्टुगीज़ ने पहला फोर्ट बनाया एट कोचीन 1503 में, फिर उन्होंने अपना सेकंड फोर्ट बनाया एट कन्नौर या कन्नौर 1505 में, फिर 1509 में डिफीट ऑफ द कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जामोरिन बाय पोर्टुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मेडा। यानी कि जब गुजरात के राजा, इजिप्ट के राजा और जामोरिन खुद, इन लोगों को जब समझ आ गया कि पोर्टुगीज का असली मंसूबा क्या है, तो उन्होंने लड़ाई करी, लेकिन पोर्टुगीज के गवर्नर जो थे फ्रांसिस्को अल्मेडा, उन्होंने इन सबको हरा दिया। 1510 में क्या होता है, एक और गवर्नर साहब आता है, इनका नाम था अल्फांसो अल्बुकर्क्यू। अब ये अल्फांसो अल्बुकर्क्यू जो है, ये जो पोर्टुगीज के गवर्नर आए, इन्होंने बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया गोवा एज अ पोर्टुगीज कैपिटल। ये हुआ 1530 में। 1500 क्वेश्चन बन सकता है कि 1510 में गोवा वॉज कैप्चर्ड, गोवा कैप्चर्ड, और कौन किया, अल्फांसो ने किया, और एक और क्या है, कैपिटल कब बना गोवा, 1530 में, और फिर सब्जुगेट कर लिया दियो को भी, उनको भी अपने अंदर मिला लिया, और फिर उन्होंने दमन को भी कैप्चर कर लिया 1559 में, ठीक है। इसके अलावा 1612 में क्या होता है, सूरत जो है वो अंग्रेजों को मिल जाता है, यानी कि सूरत का जो एरिया है वो अंग्रेज लोग ले लेते हैं। 1612 की बात कर रहे हैं, और अंग्रेज जो है वो 1600 में आ चुके हैं, इंग्लैंड जो है वो 1600 में आ चुका है, 1612 में ही उन्होंने सूरत जो है जीत लेते हैं वो। एक्चुअली मालाबार कोस्ट कहाँ है, अगर ये मेरा भारत है, अगर हम सबका ये भारत है, प्यारा भारत, यहाँ पे है मालाबार कोस्ट।
नेक्स्ट जो है वो डच के साथ स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।